गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारिक MDMCA एकेडमी में आप कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ पढ़ा था तू फिर चूहा हो जा। उस पाठ में हमने पढ़ा था एक छोटा सा चूहा एक ऋषि के पास गया। उसने ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है, क्या आप मुझे बिल्ली बना सकते हैं? तब ऋषि ने अपने कमंडल में से लेकर पानी उसके ऊपर छिड़का तो वो तुरंत बिल्ली बन गया। बिल्ली बनकर वो चूहा बड़ा खुश हुआ। उसने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और वह सारे जंगल में आराम से घूमता जा रहा था। थोड़ी सी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही वो जंगल में घूमने लगा तभी सामने से एक कुत्ता वहाँ आ गया। जैसे ही वो कुत्ते के रूप में आया, कुत्ता सामने आया, वो बिल्ली बना हुआ जो चूहा था वो बड़ा डर गया और वो वापस भागा भागा ऋषि के पास गया और उसने कहा कि महाराज मुझे अब सामने कुत्ता आ गया है और अब तो मुझे कुत्तों से डर लगता है, क्या आप मुझे कुत्ता बना सकते हो? तब ऋषि ने क्या किया, वापस अपने कमंडल में से पानी निकाला और उसके ऊपर छिड़क दिया और थोड़ी सी देर में वो जो था चूहा बिल्ली बना हुआ था वो थोड़ी सी देर में कुत्ता बन गया। अब मैं इस कहानी से आगे की आपको बताती हूँ। ऋषि ने कहा एक कुत्ता बने चूहे तू वन में चला जा। ऋषि की आज्ञा मानकर कुत्ता वन में चला गया और उसे अपने आप पर घमंड हो गया, यानी कि उसे यूं लगा जैसे मेरे समान कोई भी नहीं है दूसरा। फिर उसने अपने मन में सोचा अब मैं किसी जानवर से नहीं डरता। उसी समय वन में बाघ के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। बाघ की जो आवाज़ होती है उसको उसका गरजना कहते हैं। बाघ की गर्जना सुनकर कुत्ता भय से कांप उठा। वह सिर पर पांव रखकर भागा। सिर पर पांव रखकर भागने का अर्थ है वहां से तुरंत भाग गया। भागता भागता वह ऋषि की कुटिया में वापस आया। कुत्ते बने हुए चूहे ने हांफते हुए कहा जैसे हम जोर से भागते हैं, भागने से हमारी सांस चढ़ जाती है, उसे हांफना कहते हैं। उसने चूहे ने कहा महाराज मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। उसने कहा महाराज मैंने आपकी सारी बात मानी और मैं जंगल में चला गया। वहां बाघ की गर्जना सुनकर मैं भयभीत हो गया, आप कृपा कर मुझे बाघ बना दीजिए। जैसे ही वो जंगल में गया उसने कहा कि महाराज जब मैं जंगल में गया तो जिसने बाघ की आवाज़ सुनाई दी तो उसको मैं डर गया, अब आपसे कृपा है विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे बाघ बना दीजिए। ऋषि ने कुत्ता बने हुए चूहे की प्रार्थना स्वीकार कर ली, यानी कि ऋषि ने कुत्ते की बात मान ली। उन्होंने उसे बाघ बना दिया। बाघ बना हुआ चूहा गरज कर बोला, जैसे वो उसको बाघ बनाना वो एकदम जोर से बोला महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाघ बनाकर मुझे निर्भय बना दिया, अब मुझे किसी से भय नहीं रहा। निर्भय का मतलब होता है जिसको किसी का डर नहीं होता। तब ऋषि ने उस चूहे से कहा ए बाघ बने चूहे यहाँ मत गरजो, मेरी शांति भंग मत करो, जाओ वन में निर्भय होकर घूमो। जब उसने जोर जोर से गरजना शुरू कर दिया ना, तब ऋषि ने उस चूहे से कहा ए बाघ बने चूहे तुम यहाँ आवाज़ मत करो, यानी कि जोर जोर से आवाज़ें मत गरजो मत, अगर ऐसे तुम्हारे गरजने से जो मेरे वन में शांति है वो खत्म हो रही है, अब तुम जाओ और सारे जंगल में आराम से घूमो। बाघ बना चूहा खूंखार हो गया, खूंखार यानी कि खतरनाक हो गया। वह घमंड से बोला महाराज अब मैं किसी से नहीं डरता, मैं आपसे भी नहीं डरता, मैं भूखा हूँ और मैं आपको खा जाऊंगा। इतना कहकर बाघ ने ऋषि पर छलांग लगा दी। जैसे ही वो बाघ बना ना, बाघ बनने के बाद जो चूहा था वो बड़ा खतरनाक हो गया। उसने बड़े घमंड से ऋषि से कहा महाराज अब मुझे तो किसी से ही डर नहीं लगता, मुझे आपसे भी डर नहीं लगता, अब मुझे भूख लगी हुई है और मैं आपको ही खा जाऊंगा। जैसे इतना कहा और उसने जो किया था बाघ ने ऋषि के ऊपर छलांग लगा दी। ऋषि ने जल्दी से बाघ पर कमंडल से जल छिड़का और कहा ए बाघ बने चूहे तू फिर चूहा हो जा। बाघ बना हुआ चूहा फिर से चूहा बन गया। बाघ से चूहा बनते ही चूहे का घमंड चूर हो गया। ऋषि ने कहा ए छोटे चूहे तू शीघ्र अपने बिल में चला जा। चूहा पछताता हुआ अपने बिल में चला गया। जैसे ही उसने ऋषि के ऊपर छलांग लगाई, ऋषि ने क्या किया अपने कमंडल में से वापस जल निकाल के
उसके ऊपर छिड़क दिया और उससे कहा तू वापस चूहा बन जा। ऋषि के ऐसा करते ही जो चूहा था, बाघ बना हुआ चूहा था, वो वापस चूहा बन गया। जैसे ही वो चूहा बना, जो उसका ऊपर घमंड था वो सारा घमंड उतर गया और उसको ऋषि ने कहा कि चूहे छोटे से चूहे तू वापस चूहा बन गया, अब तू अपने बिल में चला जा। चूहा पछताता हुआ, यानी कि जो उसने कहा घमंड किया था उसके बाद उसको अपने ऊपर पछतावा हुआ कि मैंने घमंड क्यों किया, ये कहते हुए वह अपने सोचते हुए अपने बिल में चला गया। इस पूरी कहानी से मतलब निकलता है कि जैसे हमें अपने घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की बात माननी चाहिए। अब मैं आपको करने के लिए गृह कार्य दे रही हूँ और आप इस गृह कार्य को करेंगे, कहानी को अच्छी तरह याद करेंगे और इस गृह कार्य को करने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए आपका गृह कार्य, आप इसे आराम से कीजिए। जो शब्द गलत लिखे हुए हैं मैंने, दो तरह के लिखे हुए हैं, गलत भी लिखा है और एक सही भी लिखा हुआ है। सही शब्द को कोष्टक में लिखने की कोशिश कीजिए। और जब ऋषि ने चूहे को फिर से चूहा क्यों बनाया था, इसमें आपको ये बताना है कि जब ऋषि ने चूहे को बाद में इसलिए बना दिया था क्योंकि उसने जो ऋषि की बात नहीं मानी थी और ऋषि पर ही हमला कर दिया था। धन्यवाद।